रिटर्न के लिहाज से देखा जाए तो सितंबर का महीना है वो कमोडिटी बाजार के लिए काफी खराब साबित हुआ है। ना सिर्फ एनर्जी कॉम्प्लेक्स बल्कि मेटल, बुलियन और एग्री कमोडिटी स्पेस में नेगेटिव रिटर्न्स ही, यानी कि नेगेटिव कमाई ही हाथ लगी है। और सिर्फ ये सितंबर के महीने की बात नहीं है, ये बीती तिमाही की अगर बात करें यानी कि जुलाई से सितंबर का जो समय है उसमें भी अधिकतर कमोडिटीज ने भारी भरकम गिरावट दर्ज की है। नेचुरल गैस जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया उसमें हमने 22 से 24% तक का करेक्शन सितंबर महीने में आते हुए देखा है। कच्चा तेल जो लगातार उबाल दिखाता रहा है उसकी कीमतों में हमने ऑलमोस्ट 7 से 8% की करेक्शन सितंबर के महीने में आते हुए देखी। एकमात्र चांदी को छोड़ दें तो सोने की कीमतों में प्रेशर लगातार बना रहा, छठे महीने हमने इसकी कीमतों में गिरावट देखी। कच्चे तेल में बात की जाए तो लगातार चौथे कॉन्सिक्यूटिव महीने एक नेगेटिव रिटर्न इसने कमा कर दिया है। एग्री कमोडिटी स्पेस में गेहूं और चीनी को छोड़कर सारी कमोडिटीज, खासतौर से तिलहन और खाने के